Now the next part of the alimentary canal is the pharynx. Pharynx is the common opening where the digestive and the respiratory system they open out, right? So in case of the cyclostomes, this is the structure of the pharynx, which is present just below the esophagus. It communicate interiorly with the help of ये आगे बकल कैविटी से कम्युनिकेट करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है. दिस इज हैविंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज द वेलर टेंटिकल्स, और बाद में इसकी ओपनिंग होती है व्हिच इज कॉल्ड एज द वेलम. उसके बाद पानी जो है वाटर जो है वो इधर आता है एंड द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज दैट टेक्स प्लेस इन द गिल्स. सिमिलरली द फिशेज ऑल्सो हैव द फेरिंग्स विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन. फिशेज में भी जो है यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स में, और रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऐसे ही टेट्रापोड्स मीन्स द एनिमल्स हैविंग द फोर फीट फोर लिम्स, दैट इज द फोर लिम्स एंड द टू हाइंड लिम्स. दे ऑल्सो हैव द डिफरेंट ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द फेरिंग्स सच एज द ग्लॉटिस, गलेट, यूस्टेकियन ट्यूब्स. And in case of the frogs, the vocal sacs which help in the production of the voice, they also open in the pharyngeal region, right? And in case of the higher animals such as your mammals, the opening of the pharynx that is guided by the epiglottis, and which help in closing of the pharynx during the swallowing of the food. So this is all about pharynx. The next part is the esophagus. Now esophagus is what? It is a muscular tube which carries the food from the mouth to the lower part of the alimentary canal, that is the stomach. So the esophagus in all the other vertebrates, that is normal, and that means that plays not very significant role. It only help in the passage of the food from the mouth to the stomach. But in case of the birds, the esophagus is very long. You all know that the birds have a very long neck. That's why the esophagus is very long, and esophagus is dilated to form a structure called as the crop. यहाँ पर esophagus काफी dilated है और एक structure बनाती है जिसे हम crop बोलते हैं. उसके ऊपर two glands होते हैं called as the crop gland. तो ये वाला structure हमने अच्छे से learn करना है because this is very important and it is the what? It is the part of the esophagus which is swallowed. So, ये क्रॉप ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं, दे रिलीज अ वेरी न्यूट्रिटिव फ्लूड कॉल्ड एज द पिजन्स मिल्क. ठीक है, तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही न्यूट्रिटिव फ्लूड रिलीज होता है जिसको पिजन्स मिल्क बोलते हैं, एंड इट हेल्प इन फीडिंग द यंग वंस. यंग वंस को जो मेल्स और फीमेल्स हैं इस फ्लूड को रिजैक्यूएट करेंगे और फिर वो अपने यंग वंस को देते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज द मिल्क और द पिजन्स मिल्क बिकॉज इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क इन द मैमल्स. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द मिल्क और द पिजन्स मिल्क, एंड इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड जस्ट लाइक द न्यूट्रिटिव फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल्स व्हिच they used to feed their young ones. So this is all about the esophagus. So the next part of the alimentary canal is the stomach. So this is a comparative diagram of the stomachs of the different vertebrates. So coming to the first one, that is the cyclostomes. वैसे जो हम देख रहे डायग्राम उससे हमें आइडिया हो गया है कि बहुत सारे जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनमें स्टमक की शेप जो है अलग अलग है. जैसे ये टर्टल है, लैंड टर्टल, इसमें शेप यू शेप है. मैमल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा हमें एस शेप लग रहा है. सो द डिफरेंट एनिमल्स और द डिफरेंट वर्टिब्रेट्स दे शोज द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टमक. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स दैट इज साइक्लोस्टोम, द साइक्लोस्टोम द स्टमक इज वेरी मच पुअरली डेवलप्ड एंड इट इज ओनली एनलार्जमेंट ऑफ द पॉस्टीरियर एंड ऑफ द एसोफेगस. नाउ कमिंग टू द फिशेस दे हैव अ जे शेप्ड स्टमक प्रेजेंट इन केस ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेस. शार्क इज अ कार्टिलेजिनस फिश, तो यहाँ पे जे शेप जो है वो स्टमक आपका प्रेजेंट होता है. एंड एट द जंक्शन देर इज अ पैलोरिक, जो आपका पैलोरिक पार्ट है और थोड़ा सा इसका कार्डिक पार्ट है, और दोनों के जंक्शन पे जो है वो एक ब्लाइंड सा सैक जो वो प्रेजेंट होता है. नाउ कमिंग टू दी एम्फीबियंस, तो ये बाकी भी आपके फिशेज हैं. ये लंग फिशेज का तो बिल्कुल स्ट्रेट सा समक है. उसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियंस की. सो एम्फीबियंस इन द सेलेमेंडर, सेलेमेंडर का भी देखो आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल एक पाइप के जैसे ही है.
Next is the uridals. Uridals means your tailed amphibians. They also have the पाइप लाइक बिल्कुल पाइप जैसा जो है वो फिश हमारा प्रेजेंट होता है. ठीक है. द एंटीरियर एंड इज द कार्डिक रीजन एंड द पोस्टीरियर एंड इज द पेलविक रीजन. और यहाँ पर फंडिक रीजन जो है जो आपके मैमल्स के केस में होता है वो इसमें एब्सेंट होता है. नाउ कमिंग टू द रेप्टाइल्स दैट इज द स्नेक्स एंड द लिजर्ड्स. दे हैव अ लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड स्टमक जो है वो प्रेजेंट होता है. और अगर हम क्रोकोडाइल्स की बात करें, फिर टॉक अबाउट क्रोकोडाइल्स, दे हैव द स्टमक विच इज सिमिलर टू दी बर्ड्स. ठीक है. तो क्रोकोडाइल्स का स्टमक जो होता है वो बर्ड्स के जैसे ही होता है. और यहां पर जो आपके बर्ड्स होते हैं उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज द वेंट्रिकुलस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गिजर्ड. दिस गिजर्ड इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द चर्निंग ऑफ द फूड. ठीक है. तो बाकी रेप्टाइल्स में तो सिंपली ऐसा ही स्टमक रहेगा, लेकिन जो आपके क्रोकोडाइल्स होते हैं उसमें ये जो बर्ड्स का स्टमक दिखाया है दैट इज कोलंबो और द पिजन, दिस इज द स्टमक ऑफ द बर्ड्स. रेप्टाइल्स का जो आपका क्रोकोडाइल्स है उनका स्टमक भी ऐसा ही रहेगा. नाउ द नेक्स्ट इज द बर्ड्स. इफ यू टॉक अबाउट द बर्ड्स, ये बर्ड्स आगे हमारे, द बर्ड्स हैव अ हाईली स्पेशलाइज्ड स्टमक इज देयर. मैंने पहले बता दिया कि बर्ड्स जो होते हैं उसमें देखिए टीथ नहीं होते. तो टीथ नहीं होते तो वेयर द चर्निंग ऑफ द फूड दैट विल टेक प्लेस. अगर तो ये हमारा बर्ड, अगर ये इंसेक्टिवोरस है तो वर्म्स जो होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते. वो तो इजिली जो है वो बॉडी के डाइजेस्टिव फ्लूड्स जो स्टमक में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है वो उसको इजिली जो है वो ब्रेकअप कर देंगे. बट इफ दिस बर्ड इज अ सीड ईटिंग बर्ड, अगर ये सीड ईटिंग बर्ड है तो जो इतना हार्ड सीड है उसको जो है वो ब्रेक करना इजी नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हाई द स्टमक दैट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स इन केस ऑफ द बर्ड्स. द फर्स्ट पार्ट इज द प्रोवेंट्रिकुलस एंड द सेकंड पार्ट इज द वेंट्रिकुलस और विच इज कॉल्ड एज द गिजर्ड. नाउ दिस गिजर्ड, दिस पार्ट इज एक्चुअली यूज फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द ग्रेन्स. और बहुत सारे हमारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे कि आपके पिजन वगैरह हैं जो कि ग्रेन्स को खाते हैं. दे टेक पेबल्स, वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी जो है वो लेते हैं और दे आर टेकन इनटू द गिजर्ड सो दैट दीज पेबल्स दे आल्सो हेल्प इन द क्रशिंग ऑफ द फूड. जब ये प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस आपके जब इसकी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो ये पेबल्स जो इसके अंदर उन्होंने अपने माउथ से लिए होंगे वो उसकी क्रशिंग में हेल्प करेंगे. नाउ कमिंग टू द मैन, दे हैव द जे शेप्ड और द यू शेप्ड और सम काइंड एस शेप्ड स्टमक जो होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है. इट हैव द अपर कनकेव सरफेस कॉल्ड एज द लेसर कर्वेचर और उसके बाद जो नीचे का पार्ट है दैट इज द ग्रेटर कर्वेचर. ठीक है. सो जो डिफरेंट डिफरेंट आपके मैमल्स हैं उनमें अलग अलग तरह का जो स्टमक है वो प्रेजेंट होता है. जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टमक हमारा प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द रुमिनेंट्स. सो बच्चों, इस बुक में जो क्वेश्चन हमें, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हमें आता है, the question is always or the most of the time is asked upon the stomach of the ruminants. So ye wala topic jo hai wo humne thoda sa acche se aur zyada detail mein study karna hai. So this is the diagram showing the stomach of the ruminants. Ruminants are the animals which chew the cud. ठीक है. सबने, सबके घरों में जो है या आस पड़ोस में सबने देखा होगा जो कैटल होते हैं, व्हाट दे डू, दे टेक फूड साइमल्टेनियसली इनटू देयर स्टमक. वो फूड को एकदम से, ग्रास को एकदम से फटाफट अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं विदाउट च्यूइंग. उसको एकदम से अपने स्टमक के पार्ट में रख लेते हैं. उसके बाद जब वो बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो धीरे धीरे उस फूड को जो है वो रीजैकुएट करते हैं, अपने माउथ में लेके आते हैं, फिर उसको धीरे धीरे च्यू करते हैं और फिर अपने स्टमक में दोबारा से लेके जाते हैं. सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज दी रूमिनेंट्स और दी कड च्यूइंग मैमल्स. इट इंक्लूड्स योर कैटल, शीप, गोट, डियर्स. सो दे हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड दी मोस्ट मॉडिफाइड टाइप ऑफ द स्टमक विच इज मेंट फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट. नाउ इट हैव द फोर पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज द रूमन. द rumen is the largest part or the largest chamber. This is that chamber which receives the esophagus. Esophagus jo hai wo ultimately kahan par khulti hai, aapke rumen mein aake khulegi. And it have the many raghe. Jaise hamare stomach mein bahut sare raghe present hote hain,
जिसकी वजह से इसका साइज जो है, अगर ज्यादा फूड ले लेगा तो साइज जो है वो इसका इंक्रीज हो सकता है, इट कैन बी डिस्टेंटेड, सो लॉट ऑफ ड्रग आर प्रेजेंट इन द र्यूमन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज द रेटिकुलम. रेटिकुलम इज कंपेरेटिवली स्मॉलर टू द र्यूमन. इट ऑल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ द रिजेस ऑन इट्स इनर सर्फेस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द हनी कॉम. ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द ओमैसम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लास्ट्रम. तो ये जो हमारा ओमैसम या प्लास्ट्रम है, इट ऑल्सो हैव द लॉन्गिट्यूडनल लीफ लाइक फोल्ड्स ऑन इट्स इनर सर्फेस. ठीक है, तो इसके भी इनर सर्फेस में बहुत सारे जो फोल्ड्स होते हैं. एंड दीज ऑल दीज थ्री चैम्बर्स, दैट इज द र्यूमन, रेटिकुलम एंड ओमैसम, देयर इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज द एबोमैसम. एबोमैसम इज द स्मॉलर पार्ट, ये काफी छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेनेट. अब इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है वो आपके रगे प्रेजेंट होंगे एंड इट ऑल्सो हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड. नाउ दिस पार्ट ऑफ द स्टमक इज एक्चुअली वेयर द डाइजेशन ऑफ द फूड दैट टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑल दीज अदर पार्ट दे डोंट हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओनली द ओमैसम इज द पार्ट वेयर द गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट आर प्रेजेंट. सो हियर द डाइजेशन ऑफ द फूड in the stomach that takes place and it then join to the duodenum. ठीक है, तो सबसे पहले food आएगा esophagus से, esophagus से जाएगा rumen में, rumen के बाद जाएगा reticulum में, reticulum के बाद जाएगा omasum, omasum from the omasum it goes to the abomasum and then it is passed to the next part that is the duodenum. अब होगा क्या, जो हमारे ruminants है, you all know that ruminants वो एकदम से फूड को जब ले लेंगे तो जो फूड है एक्चुअली वो काफी टाइम तक जो है वो स्टमक में रहता है. व्हाई, बिकॉज द फूड व्हिच इज टेकन बाय द रूमिनेंट्स इट इज एक्चुअली द ग्रास. यू ऑल नो द ग्रास दैट हैव द सेलुलोज एंड नन ऑफ द एनिमल्स दे हैव द कैपेसिटी दैट दे कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज. सो दीज एनिमल्स दे हैव अ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कॉल्ड एज द र्यूमिनोकोकस व्हिच इज प्रेजेंट इन द र्यूमन. ह्यूमन के अंदर जो है वो र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, और ये जो फूड है ये जो है वो अब जब यहां पे आया ह्यूमन में, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू द कड. नाउ दिस कड, ये सारा का सारा कड के फॉर्म में फूड यहां पे कलेक्ट हो जाता है जैसे एनिमल उसको खाता है, और दिस कड इज नाउ रीजग्वेटेड. ये आपका रिजर्वेट होगा दोबारा से जब एनिमल रिलैक्स करेगा और फिर वो फूड अच्छे से प्रॉपरली मैस्टिकेट होगा और बकल कैविटी में उसकी प्रॉपर सलाइवा के साथ जो है वो मिक्सिंग होगी एंड देन फूड इज अगेन रीस्वालोड. रीस्वालो करेंगे और अब जो फूड है वो हमारा जो है इट इज नाउ टेकन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द आफ्टर ह्यूमन दैट इज टेकन टू द ओमैसम. ओमैसम में क्या होगा, फूड फिर से इसकी मैकेनिकल चर्निंग होगी और इसमें थोड़े से साल्ट जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ओमैसम में वो इसके साथ मिक्स होते हैं. आफ्टर ओमैसम इट एंटर्स टू द एबोमैसम. एबोमैसम दैट कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस वेयर द केमिकल ब्रेकिंग ऑफ फूड दैट टेक्स प्लेस. ठीक है, सो दिस इज द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स और ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो है वो आएगा. तो इसको बहुत अच्छे से हमने करना है, बिल्कुल सिंपल है, इस पे कोई भी जो है वो टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. माउथ से आएगा फूड, माउथ से फूड जाएगा र्यूमन में, र्यूमन में यहां पे र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करेगा, उसके बाद जो फूड है वो फिर से रीजग्वेट हो जाएगा. रीजग्वेट होने के बाद दोबारा से फूड जो है र्यूमन के बाद जो फूड है वो आपका रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम के बाद आपका ओमैसम, ओमैसम के बाद एबोमैसम जहां पे उसकी जो है गैस्ट्रिक जूसेस के ऊपर एक्ट करेंगे एंड देन इट इज टेकन टू द एलिमेंट्री कैनाल्स नेक्स्ट पार्ट दैट इज द ड्यूडेनम. नाउ द स्टमक ऑफ द कैमल्स, ये वाला जो है वो इसी को थोड़ा सा ओपन आउट करके आपको शो किया है. नाउ द नेक्स्ट इज द कैमल्स. द कैमल्स स्टमक इज ऑल्सो लाइक दिस बट इट डोंट हैव द एबोमैसम. उसमें एबोमैसम जो होता है वो नहीं होता है एंड द र्यूमन एंड द रेटिकुलम दैट इज द र्यूमन एंड द रेटिकुलम दे हैव द स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज द वॉटर सेल्स विच हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द मेटाबोलिक वॉटर. दैट्स वाई द कैमल दे कैन लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट वॉटर बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी दैट दे कैन टेक और दे कैन स्टोर द वॉटर विच इज बींग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द दिस मेटाबॉलिज्म. जो आपकी फूड की मेटाबॉलिज्म यहां पे हो रही है वहां पर
जो वाटर हमारा केमिकल वाटर फॉर्म होता है उसको वो रिस्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ एक हमारी मॉडिफिकेशन बाकी के मैमल्स में भी, जैसे कि आपका ब्लड सकिंग बैट्स हैं, दे द कार्डिक स्टमक इज नॉट देयर। ऐसे ही आपका इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स जो है, द कार्डिक स्टमक दैट इज लाइन बाय द स्क्वैमस एपिथेलियम, सो दैट जब वो इंसेक्ट्स को ईट करेंगे, इंसेक्ट्स को खाएंगे, तो इंसेक्ट्स की जो कवरिंग होती है बाहर की काइटिन की, वो बहुत हार्ड होती है, तो कहीं उनका स्टमक जो है उसको इंजरी ना हो जाए। दैट्स वाई द स्टमक दैट इज लाइंड ऑन द इनर सर्फेस बाय अ स्क्वैमस एपिथेलियम विच इज स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्टमक है उसको इंजरी जो है वो नहीं होती है। सो ऐसे ही कुछ एक मॉडिफिकेशंस बाकी जो स्टमक्स में वो भी होती है, लेकिन ये आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है हमारा, द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट ओपन्स आउट थ्रू द एनस और द क्लोइका। एलिमेंट्री कैनाल इज दैट पास वेयर द अल्टीमेटली द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड दैट टेक्स प्लेस एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन जो होती है वो कॉइल्ड भी हो सकती है और इलॉन्गेटेड भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स भी होते हैं एंड देयर आर टाइनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज द विलाय एंड इन केस ऑफ द सम एनिमल्स स्पाइरल वॉल्व इज देयर। नाउ दिस इज अगेन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टू और थ्री मार्क्स। दिस स्पाइरल वॉल्व इज वन ऑफ द अनदर स्ट्रक्चर जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा, ये आपके कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो जो आपके इंटेस्टाइन है उसके हम मॉडिफिकेशन देखेंगे, हाउ इट इज मॉडिफाइड इन द डिफरेंट एनिमल्स। कमिंग टू द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स दैट इज द साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम दे हैव द स्ट्रेट इंटेस्टाइन और उसमें कोई ज्यादा जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज द टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या है, एक स्पाइरल फोल्ड है जो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। दिस टिफ्लोसोल इज मेंट टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। Now the fishes, this is actually the scroll valve which was I was talking about. This scroll valve is what? It is a structure which is present in the intestine of the cartilaginous fishes such as your shark. So ye scroll valve kya hai? It is an anti-clockwise spiral. एंटीक्लॉकवाइज स्पाइरल है तभी इसको स्पाइरल वॉल्व बोला हुआ है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द रेजिंग ऑफ द इनर म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन के अंदर की म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसी की रेजिंग से बनी है, अदरवाइज कोई स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो अलग से नहीं बनता है। यहाँ पे इंटेस्टाइन की ही मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह का रेज्ड स्ट्रक्चर बनाती है विच एक्चुअली लुक लाइक अ स्पाइरल एंड दिस स्पाइरल वॉल्व इज अगेन meant to increase the surface area of the intestine which will help in the effective digestion and absorption of the food. ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो आपने कर लेना, कई बार जो है वो इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे कई फिशेस में जो है वो रेक्टल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द जंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दे हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ द साल्ट। नाउ कमिंग टू द एम्फीबियंस, the amphibians have a comparatively longer and coiled alimentary canal than the fishes. ठीक है, ऐसे ही आपके जो amphibians है उसमें जो है वो differentiated हो जाती है हमारी जो intestine है, that is differentiated into the duodenum and the ileum. Now coming to the reptiles. The reptiles की बात करते हैं, reptiles they also have the large intestine and small intestine and between the two the iliacocelic wall, the iliacocolic wall is present which differentiate the large intestine from the small intestine. Now coming to the birds they have comparatively smaller, जो इसमें जो आपकी small intestine है वो comparatively थोड़ी सी long होती है। ठीक है, और जो herbivorous birds होते हैं उनमें जो intestine है वो थोड़ी सी ज्यादा जो है वो लंबी होती है। Now coming to the mammals, the most important mammals you all know, the intestine that is divided, small intestine is divided into three parts, duodenum, jejunum and ileum. So ye duodenum, jejunum, ileum jo hai ye humne bahut acche se jo hai apne plus two mein padha. This is the diagram of the intestine of the mammals. This is stomach, after the stomach there is the next part that is duodenum. This is the section of the duodenum showing the different layers. Next is the ileum. Ileum shows the section which have the large number of finger-like projections called as the villi which help in the proper digestion and absorption of the food. The last part after the ileum
the ileum. The next is the colon and rectum, which is the part of the large intestine. So this is the section of the colon. तो ये थोड़ा सा हमने इसको रीड आउट कर लेना है. अदरवाइज जो ज्यादा हमने फोकस करना है इस एलिमेंट्री कैनाल में, वो हमने फोकस करना है ऑन द कंपाउंड स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द ग्लैंड्स. वन मोर थिंग, दिस इज द क्लोएका. क्लोएका जो मैंने पहले भी आपको लेसन के स्टार्टिंग बताया था, क्लोएका इज व्हाट? क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द एलिमेंट्री कैनाल. सो इन केस ऑफ द बर्ड्स देर इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ द, दिस इज द रेक्टम, सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड ऑल्सो हैव द ओपनिंग ऑफ द गोनोडक्ट्स, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो द ओपनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिडियम. सो इट हैव द थ्री पार्ट्स, क्रॉपरोडियम विच इज द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिडियम विच इज द ओपनिंग ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम and the gonoducts, they are also present over here which open there. So it is the common opening of the three system, that is the that is your urinary system or your digestive system and your reproductive system. ठीक है, तो ये जो आपका cloaca structure है ये कुछ fishes में भी होता है, कई maximum birds में भी होता है और बहुत सारे mammals में भी जो है वो cloaca present होता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने इसको read out करना है. The next is the digestive glands. Digestive glands, different types of digestive glands are present in the different types of the vertebrates. The first coming to the digestive glands which are present in the oral cavity. Now the next part of the digestive system is the digestive glands. Now you all know that a number of digestive glands are present in the digestive system which assist the process of the digestion and are present in the different parts of the digestive system. So first coming to the glands which are present in the oral cavity. So in case of the vertebrates, the glands which are present in the oral cavity are mostly the mucus glands which help in the moistening and softening of the food. Now coming to the first type of the vertebrates, that is the cyclostomes. The cyclostomes, they have a pair of salivary glands which is present below the tongue. And this salivary gland that releases an anticoagulant, as I have told you earlier, that the cyclostome, they feed on the blood of the other fishes. So the saliva of this this animal that releases an anticoagulant in its saliva, so that the blood that may not coagulate. And the name of the anticoagulant is lamperidine. Lamperidine is named after the lamprey. Cyclostomes have the lamprey, और lamprey से ही जो नाम है हमारा वो lamperidin आया है. ठीक है, now the next type of the glands which are present in fishes are the simple mucus glands which are present in the buccal cavity. Now in amphibians, the amphibians have also the mucus glands like fishes which are present in the buccal cavity, and they also have the adhesive glands, the adhesive glands which are present over their tongue. ठीक है, तो ये एडहेसिव ग्लैंड्स क्या करेंगे? दे विल हेल्प इन द एडहेशन ऑफ द प्रे विच एक्ट एज अ फूड फॉर दीज एनिमल्स. सो दीज ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर द टंग एंड सिमिलरली सम इंटरनेजल और इंटर मैक्सिलरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेजल सेप्टम. अदर ग्लैंड्स आर द लिंगुअल ग्लैंड्स विच सिक्रीट द म्यूकस, present in the frogs and toads and urethral, that is the tailed amphibians. Now the pharyngeal glands near the ears, buccal glands which release the ptyalin, or the another name of ptyalin is the salivary amylase in the frogs. Now coming to the glands which are present in the reptiles. So reptiles, they have the different glands such as the lingual or the sublingual and the labial glands which are present in the different regions, and there are also the palatine glands in the reptiles which are similar to that of the maxillary glands which present in which are present and will result in the secretion of the mucus. Now the most important glands or the glands which are of economic importance in the reptiles are the poisonous glands. Now the poisonous glands, these are the modified salivary glands, these are the labial glands. ठीक है, तो जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका डिटेल आपको जो है वो फर्स्ट चैप्टर में जब आप बाइटिंग मैकेनिज्म करेंगे उसमें डिटेल स्ट्रक्चर आएगा, बट सिंपली वी शुड नो दैट द
poison glands are the modification of the labial glands. And one more thing, a lizard is there, which is only the only lizard which is poisonous, called as the Gila monster. Here, Gila monster or the Holoderma suspectum is its zoological name. It have the sublingual glands which are poisonous in nature. Sublingual means present below the tongue. The lingual word is used for the tongue. So sublingual means these glands which are present below the tongue. Now if we talk about the glands of the snakes, so this is the poison duct from which the poison is being secreted through the fangs, and here the poison gland is present, which is the modified labial gland. Now coming to the birds. Birds, they also have the well-developed sublingual glands which are present on the floor of the buccal cavity, and angle glands are also present at the angles of the mouth. Now mammals. The mammals, they have the mucus glands which are present near the palate and the tongue. And mammals are the first vertebrates which have the well-developed salivary glands. जिसमें सबसे ज्यादा बड़े बड़े और सबसे peculiar जो है वो आपके salivary glands present है. There are the three pairs of salivary glands. One is the parotid, one is your submaxillary, and another are your sublingual glands. So they opens through the different ducts to the buccal cavity, such as the parotid gland that opened through the Stenson duct. And if we talk about the submaxillary gland, the submaxillary gland that opens through the Wharton duct. ठीक है, ऐसे सबसे अच्छे जो हमारे salivary glands है वो mammals से डेवलप होते हैं. Now in case of the artiodactyla means the mammals such as your pig, ass, sheep, goat, they also have well developed molar glands. These molar glands, what will they do? They will release the mucus which help in the easy swallowing of the food. Now coming to the gastric glands. Gastric glands are what are glands which are present over the stomach. ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया salivary glands which are present in the the mouth region or the oral cavity. Then we have the next region of the alimentary canal which possess the glands is the gastric glands. So the gastric glands, approximately 35 million gastric glands are present in the human stomach, and there are three types of glands on the basis of the areas where they are present. The glands which are present in the cardiac area are called as the cardiac gland, whereas the glands which are present in the pyloric region are called as the pyloric glands, and both they secrete the mucus only. Whereas the glands which are present in the fundic region, they secrete different types of structures. Let me show you the diagram of the gastric gland. So this is a diagram of the gastric gland of the fundic region of the human. So it has a different type of cells, such as the chief cell or the chief cell or the zymogen cell or the peptic cells. They will release the two proenzyme, that is the pepsinogen and pronanin, and which also releases the gastric lipase. So pronanin and propepsinogen, these are what? These are proenzyme which are then converted into its active form, that is the renin and pepsinogen, you all know. And gastric lipase is an enzyme which is used for the digestion of the fats. Now the next type of the cells are the oxyntic cells or the parietal cells, which will release the HCl. And we have other types of cells also, such as the goblet cells. The goblet cells are present over the upper surface of this fundic gastric gland, and this goblet cell will secrete the mucus. Then we have the ergotifin cell. The ergotifin cells, these will release the hormone called as the serotonin, right? And another cells are also, G cells are present in the other region, which will release the gastrin hormone, and these are present in the pyloric region. So this is a brief diagram of the gastric glands which is present in the fundic region. Now coming to the glands which are present in your intestinal region. So the intestinal region that have the two types of the glands, one is the crypts of Leverkusen and another are the Brunner glands. Now the crypts of Leverkusen, you all know that they are present on the entire intestinal epithelium. These are the simple tubular glands, and they secrete the intestinal secretion, that is the intestinal juices. Whereas
the base of these glands, they have the argentifin cell, which releases the secretin and procreozymin and cholecystokinin, and the pannete cells are also there, which release the lysosome. So I will not explain these all the glands in detail because you have started the chapter digestion in your previous classes, that is plus two also. So you all know what is the location of these different glands and what they do. Now coming to the Brunner's gland, it is also present in the submucosa and mucosa of the intestinal epithelium, and the secretion is watery and alkaline in nature, resulting in the entire secretion of the intestinal fluid as a alkaline in nature. Now the next important gland is the liver. Liver is the largest gland of the body and it is present in all the vertebrates. It serves many of the functions and very important for the digestive system of the human. So if we talk about the embryonic development, it is endodermal in origin, okay? And it develops from the liver diverticulum. Liver diverticulum kya hai? Jab embryonic stage mein jis jagah pe liver ki development honi hai, wahan pe ek outgrowth se ho jati hai jisko diverticulum bolte hain, baad mein usi se hi jo hamara liver banta hai. Now the liver, if we talk about the structure of liver, this is the section, vertical section of the liver. The liver is actually a lobulated glandular structure and it is made up of mass of the hepatic cells. Now these hepatic cells, these are arranged in the form of the cords and in the form of the small units, and these small units are called as the lobules. Now in the center of the lobule we have the center venule, or the this is the central of the lobule, and we have the sinusoid in between, and the sinusoid they receive both the hepatic veins and the hepatic artery. So these are the structures. And the liver, if we talk about the liver is covered on the outer side by the connective tissue layer called as the Gleason capsule. So liver जो है वो आपने पहले भी पिछले क्लासेस में किया हुआ है कि लीवर के साथ हमारा जो है वो the liver that is collected, the liver that secretes bile, and bile is being collected in the hepatic duct. और फिर gallbladder भी होता है उसके साथ में, जो pear shaped एक structure है, and the secretion of the liver that is collected in the bile duct. So ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से जो है वो junior classes में भी पढ़ी होंगी, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लीवर के स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जाऊंगी, ये आपने थोड़ा सा खुद इसको जो है रीड आउट करना है. नाउ द नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव अकाउंट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, द साइक्लोस्टोम्स, दे हैव वेरी स्मॉल एंड बाइलोब लीवर इज प्रेजेंट इन द साइक्लोस्टोम्स. इन फिशेज, द फिशेज द लीवर इज मल्टीलोब एंड इट्स लार्जर इन साइज. गॉलब्लैडर इज प्रेजेंट बट नॉट इन ऑल द फिशेज. Some fishes they don't have the gallbladder. If we talk about amphibians, amphibians also have a large lobed and many lobed, multi-lobed liver is there, and gallbladder is also present. Now if we talk about reptiles, the reptiles also have a multi-lobed liver and gallbladder is there. Whereas in case of the snakes, the liver is long but it is only single lobe. In case of the birds, they have a multi-lobed liver but no gallbladder is there, and this loss of gallbladder is actually one of the modification to reduce the weight of the birds. In case of the mammals, you all know man's and the rabbit, they have multi-lobed liver, five-lobed liver is there, whereas the gallbladder is lacking in some of the mammals such as the rodents and the animals belonging to Presidactyla and the Artiodactyla. Now the next important digestive gland is the pancreas. Pancreas is the second largest digestive gland of the body. It is heterocrine gland, that means it is having the both the endocrine and the exocrine part. The exocrine part that consists of the SNI, these are the pancreatic SNI which are present over here. These are the exocrine part, that means they will release the secretion, that is the pancreatic juices, which will be added to the nearby area, and where they will help in the digestion of the carbohydrate, proteins and the fats. Whereas the endocrine part that consists of the islet of the Langerhans, this which will secrete the different secretions, different hormones which control the different types of the metabolic activities of the body. Now coming to the comparative account of the pancreas. Now let me tell you that the important hormones which are released by the pancreas are the insulin and glucagon. You all know that insulin that help in
controlling the sugar level, whereas glucagon that help in increasing the sugar level of the body. Now, in case of lampreys, the pancreas is absent. In case of fishes, there is well developed pancreas is there, which is having a dorsal and a ventral lobe, and these lobes that open with the help of a single duct into the duodenum, which is the part of the small intestine. Now, in some of the fishes, the pancreas is also absent, such as your dipnoi, that is the lung fishes, and teleost, which is the modern fishes, they don't have the well-defined pancreas. Now, in amphibians, reptiles, and birds, in these all, the pancreas is present, and it is present within a loop of the duodenum and the stomach, and it's directly open into the duodenum. Now, in case of the mammals, the pancreas that lies below the duodenum and the ileum of the rabbit, and you all know it is a leaf-like structure which is present in case of the human, and it opens into the duodenum. So, in case of man sheep, the ventral duct is only functional, whereas in case of the other animals, the dorsal duct is also functional, such as your pig and the ox. So, in case of few mammals, the pancreatic bladder is also there, such as the gallbladder is there for storing the secretion of the liver. Similarly, some mammals have the pancreatic bladder with them, which stores the secretion of the pancreatic juices. So, students, this is all about the chapter, that is the digestive system, alimentary canal and digestive gland. In this chapter, the most important question, which is many of the time being asked in the examination, is about the compound stomach, which is present in the ruminant, the diagrams of the buccopharyngeal cavity of the man, birds and amphibian, the structure of the tooth, and sometimes the question is being asked on these digestive glands, in which the liver and the pancreas are the most important. So that's all for today. Thank you.